हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आपने रोबोट 2.0 तो देखी होगी। यह एक साइंस फिक्शन मूवी है। इसमें एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन हमारे लिए और बर्ड्स के लिए हार्मफुल है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और आखिर रेडिएशन है क्या? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अगर आपको याद हो, फिजिक्स की 12th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके बारे में हमें पढ़ाया जा चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लासिफाई करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बेहतर तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लासिफाई करने का। इसमें अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लासिफाई किया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले रेडियो वेव्स आती है। इनकी वेवलेंथ कुछ किलोमीटर तक होती है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आती है। आपके माइक्रोवेव में माइक्रोवेव्स आती है। कहा जाता है कि इन्हें एक जगह इकट्ठा करने पर यह बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। इनकी वेवलेंथ कुछ सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आपके टीवी रिमोट में यूज की जाती हैं। इंफ्रारेड वेव के बाद आती है विजिबल लाइट। आप आसपास में जो भी लाइटें देख रहे हैं वे सब विजिबल लाइट में आती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 350 से 700 नैनोमीटर तक। उसके बाद आती है यूवी रेस यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। यहाँ से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। यूवी रेस के बाद आती है एक्स रेस और एक्स रेस के बाद आती है गामा रेस। आखिर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम यूवी रेस से स्टार्ट हो जाती है। यूवी रेस के बाद जितनी भी रेस आती है वे सब आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाती है। आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे लिए और बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होने से और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होने से यह हमारे शरीर के अंदर जा सकती है और हमारे डीएनए के बॉन्ड को तोड़ सकती है, जिससे हमारे अंदर म्यूटेशन हो सकता है और कैंसर होने का खतरा है। सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर मटेरियल से निकलने वाली वेव्स है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अब बात करते हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन एक्चुअल में हमारे लिए और बर्ड्स के लिए हार्मफुल है। अमेरिका की एक कंपनी FCC ने मोबाइल टावर्स की रेडिएशन पर लिमिट लगाई हुई है। यह लिमिट 1.6 वाट्स पर किलोग्राम है। यह लिमिट कहीं कहीं गुना कम है उस रेडिएशन लिमिट से जो हमारे लिए और बर्ड्स के लिए एक्चुअल में हार्मफुल है। इसलिए कह सकते हैं कि यह लिमिट हमारे लिए बहुत बेहतर है या हमारे लिए सेफ है। अब बात करते हैं मूवी में दिखाए गए सोशल मैसेज की। बर्ड्स की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही कम क्यों हो रही है? दरअसल आजकल हम जो खेती करते हैं उसमें हम प्रोस्टेसाइड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्रोस्टेसाइड मतलब कीटनाशक। खेती में हम कीटनाशक का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे इंसेक्ट्स मर जाते हैं और इंसेक्ट्स बर्ड्स का खाना होते हैं। और जब बर्ड्स को खाना ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।